Hey दोस्तों, I'm Brijesh Pasi. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe our channel like this and press the bell icon for future updates. So दोस्तों, आप लोगों के सामने एक पेज है, सिंपली मैं उसे रीड करके दिखाता हूँ. दसवीं के लिए पुलिस में 14,000 से ज़्यादा भर्तियाँ, जल्द करें आवेदन. तो मैं बता दूँ, अगर आप सिंपली 10th पास हो और पुलिस में जॉब करना चाहते हो, एक गवर्नमेंट जॉब की टिप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ. टोटल 14,000 पोस्टिंग निकली हुई है दोस्तों. सो फाइनली आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने एक पेज आया. सिंपली आप इसे रीड करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप देख सकते हैं जो पोस्ट का नाम है दोस्तों, ASI और कांस्टेबल की पोस्ट है. 14,488 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे. सो फाइनली चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर पेज पे मैं पिक वाइज और उसके नीचे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, वो सारी डिटेल्स मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पे आगे. एंड शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो 10वीं डिप्लोमा ITI ये एजुकेशन रहेगा तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो. एंड मैं बता दूँ, कांस्टेबल के पद पे 10th पास होने चाहिए आप. माध्यमिक यहाँ पे समक्षक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सिंपली आप उसे देख के आगे रीड कर सकते हो और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो. तो फाइनली चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसी पेज पे थोड़ा एज लिमिट की बात की गई है और जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया 18 से 25 साल के लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो फाइनली जो सबसे नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं रिटर्न एग्ज़ाम, और इसके आधार पर ही आप लोगों का शरीर का मापदंड जो होता है उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड है. आवेदन की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2017, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2017. और सबसे लास्ट पेज आपके सामने आया फाइनली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक होता है मैंने आपके सामने शो किया है दोस्तों, वेबसाइट का लिंक, उस पर सिंपली आप जाके अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स मूव अहेड गाइस. सो दोस्तों, इस वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ मैं, कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ मैं अपने व्यूवर्स से. सबसे पहले तो गाइस की थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और वॉचिंग आवर वीडियो. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल है और इन्फॉर्मेटिव है तो शायद आप लोग देखते हैं. और फिर भी आप लोग देखने के बाद भी एक अंदाज़ा छोटा सा लगा सकते हैं कि अगर कोई, मैं अब्रॉड जॉब के बारे में बता रहा हूँ, मेरा लिंकअप है किसी एजेंसी के साथ, तो मैं वो लिंकअप करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसमें मैं गलत नहीं हुआ, एजेंसी गलत रहेगी. अगर मुझे थोड़ा भी ऐसा पता चलेगा कि एजेंसी गलत है तो उसके अगेंस्ट मैं जाऊँगा और उनका वीडियोज़ मेक करना बंद करूँगा. और गवर्नमेंट जॉब के जो सारे टिप्स मैं देता हूँ, जिसमें भी गवर्नमेंट जॉब के वीडियोज़ मैं बनाया हूँ, उसके नीचे भी बंदे कमेंट करके बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब फेक है. दैट मीन्स वॉट गाइज, कि मैं फेक वीडियो दूसरों के बना सकता हूँ, किसी और के बना सकता हूँ, सामने से कोई बंदा मुझे दे रहा है उसके बना सकता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब्स के वीडियो को फेक नहीं बना सकता, क्योंकि मैं ऑफिशियल वेबसाइट उनके प्रोवाइड करता हूँ. आप वेबसाइट पर जाके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके अंदर वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है. फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो के अंदर गलत कमेंट करते हैं और बोलते हैं भैया ये फेक वीडियो बनाते हो आप, लोगों को गुमराह कर रहे हो. मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोगों को गुमराह करने का. सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं गवर्नमेंट जॉब की, वो ऑलमोस्ट मेरे पास 1 वीक 2 वीक तक आती है, तो उसका मैं वीडियोस आप लोगों को बनाता हूं और 2 वीक के बाद उसकी डेट वैलिडिटी जो ख़त्म हो जाती है अप्लाई करने के लिए, और जॉब बहुत अच्छा होता है. शायद आप 2 वीक 3 वीक के बाद मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो और उस वीडियो को देखते हो तो आप कमेंट कर रहे हो कि भैया डेट तो निकल चुकी है अब क्या करें, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई लोग. अगर आप लोगों की डेट निकल चुकी है तो आप हमारे चैनल पे अपडेट रहिए और वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को शायद ऐसी कोई जॉब मिल जाए जिसकी डेट आप लोग तुरंत वॉच करें और आप लोगों को अच्छी डेट मिल जाए कि मतलब तुरंत आप लोग अप्लाई कर सकते हो. आप लोग आओगे उसके बाद और पुराने वीडियोस वॉच करोगे तो मैं थोड़ी ना उसकी डेट चेंज कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है. और फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया अगर वो डेट उसकी निकल चुकी है वीडियो की तो प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए. भाई मैं बता दूं, मैं यहाँ पे फ्री में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोग तो मुझे कुछ पे नहीं कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे इसके वीडियोस बनाने के पैसे मिलते हैं. तो वीडियो बना के अगर मैं वहाँ पे रखूँ फिर भी कोई ना कोई वॉच करते हैं तो भी और पैसे बढ़ते जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो रहने दीजिए आप लोग भी, और मैं वीडियो नहीं डिलीट करूँगा. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे फोर्स ना करिए उस वीडियो को डिलीट करने का, क्योंकि मैं कभी उस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो की डेट एक्सपायर हो गई है. लेकिन उस वीडियो से अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी समझ के ले लीजिए. सबसे पहले आप लोग वीडियो जब वॉच करते हैं तो उसकी डेट भी देख लीजिए कि वो डेट निकली है कि अभी है जॉब के लिए. सो फाइनली आप लोगों को शायद मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी. सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.